सो ही गाइस, कैसे आप सभी, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके फेसबुक पेज में कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है, अपलोडिंग प्रॉब्लम आ रहा है फेसबुक पेज में, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको कैसे फिक्स आउट कर सकते हो, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना गाइस, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो तो आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल ही 100% सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी गाइस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो वीडियो को लाइक फटाक से कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। एंड इस फेसबुक पेज में अपलोडिंग प्रॉब्लम सबसे पहले क्यों आता है, इस तरीके से क्यों हो जाता है, सबसे पहले ये आप जान लो। जैसे कि आप फेसबुक पे पेज बनाते हो ना, तो स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी नहीं है इस तरीके से नहीं आता है, कंटिन्यू चलता है। जब आपका पेज ग्रो होने लगता है ना, तो आपके सामने ये एरर आ जाता है, इसलिए आता है क्योंकि आपका पेज ग्रो होता है। एंड फेसबुक क्या बताना चाहता है कि आप इस पेज को सेफली रखना चाहते हो, इसलिए कुछ इस टाइप का आ जाता है। एंड आपको इसको कैसे सेव करना है, इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने फेसबुक को ओपन करना है। जैसे कि देख लो, मैंने अपने फेसबुक में होम पेज पे आ जाना है। एंड होम पेज पे आ जाने के बाद आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जैसे बताते हो वैसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, फेसबुक ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। एंड गाइस, यहाँ पे देखो आपको एक लोगो दिख रहा है, एंड यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो सिंपल क्या करना, आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करो, आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। एंड क्या करना, फिर नीचे खिसकाना है। एंड खिसकाने के बाद आपको एक नीचे एक ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखो सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो आपको क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के साथ ही ऊपर देख सो, तो आपको एक ऑप्शन हो जाएगा सेटिंग का। तो आपको क्या करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आप यहां जैसे सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। एंड कुछ इस तरीके से ओपन होगा। तो यहां पे आपको कौन सा ऑप्शन, यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, बट आपको कौन सा सिलेक्ट करना है ये जान लो। यहां पे देखो, सबसे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देख लो, सेक्रेटरी एंड लॉग इन। यहाँ पे देख सकते हो सेक्रेटरी एंड लॉग इन, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको सेक्रेटरी वाले ऑप्शन पे आना है। एंड आपको खोजना है सेक्रेटरी एंड लॉग इन पे। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। वेट करने के बाद देख सकते हो, फिर से एक न्यू पेज ओपन हो चुका है। एंड यहाँ पे बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या करना है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, देख लो, देखिए आप जैसे नीचे करो, आपके सामने देख सो एक ऑप्शन हो जाएगा टू सीटर वेरिफिकेशन का। यहाँ पे देखो टू फैक्टर यहाँ पे लिख रहा है ना, वही टू सीटर वेरिफिकेशन है। आपको क्या करना है, टू सीटर वेरिफिकेशन करना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इस पर सिंपल से क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करो, आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा। एंड इस पेज में देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो आप एप्लीकेशन की मदद से करना चाहते हो या अपना मोबाइल नंबर SMS के थ्रू। एंड सेक्रेटरी की होता है, सेक्रेटरी क्या होता है आपको पता ही होगा। आप यहाँ पे कोई सा कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। आप अपने टेक्स्ट मैसेज जो मिल रहा है आपको मोबाइल नंबर से करना है, ये बिल्कुल ही बेस्ट होता है। एंड एप्लीकेशन से भी कर सकते हो, एंड सेक्रेटरी के से भी कर सकते हो, बट ये दोनों में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपको फेसबुक बाद में लॉग इन करने पर। इसलिए मैं सीधा बताता हूँ आपको क्या करना है, SMS वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको एक नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का। तो क्या करना, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। एंड जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करो, आपको फोन नंबर यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन शो होगा नीचे, ऐड फोन नंबर। आप चाहो तो और नंबर ऐड कर सकते हो, अगर चाहते हो तो दूसरा फोन या नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐड करना चाहते हो अनदर नंबर, तो आप यहाँ पे इजीली ऐड कर पाओगे। बट यहाँ पे जो नंबर दिया गया है, मैं उसी को ऐड करने वाला हूँ। तो आपको सिंपल क्या करना, आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो कंटिन्यू। एंड सिंपल आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के साथ कुछ लोडिंग होगा, एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। एंड वेट करने के बाद देखो कुछ इस यहाँ पे इंटर 6 डिजिट कोड, यहाँ पे देखो ऊपर मेरा कोड भी आ चुका है। तो क्या करना, आपको उस कोड को यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देन कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, पेस्ट नहीं हो रहा, ऊपर देख लेते कोड कितना है, 3350 3350 एंड क्या था 86 86। देन कोड डालने के बाद देख लो, कुछ कोड डाला गया। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे देखो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, इसलिए आपको थोड़ा वेट कर लेना है, ठीक है। एंड वेट करने के साथ देखो, आपको यहाँ पे इंटर पासवर्ड, आपका फेसबुक का पासवर्ड मांगा जाएगा। तो क्या करना है, आपको फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे इंटर कर लेना है। देखो मैं यहाँ पे फेसबुक का पासवर्ड यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ।
एंड गाइस फेसबुक का पासवर्ड इंटर कर लेने के बाद आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कंटिन्यू का, यहाँ पे ब्लू रंग से शो हो रहा है, आप खुद देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे देखो आपका काम कंप्लीट हो चुका है, जो आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है वो फिक्स आउट अभी हो जाएगा। एंड अभी वीडियो को बिल्कुल स्किप करके मत जाना, यहाँ पे पूरा वीडियो देख लो, थोड़ा सा बचा है। एंड यहाँ पे देखो डन हो चुका है, यहाँ पे टू फैक्टर जो है टू वेरिफिकेशन होता है वो ऑन हो चुका है। एंड आपको यहाँ पे कैसे फिक्स आउट करना है, वो प्रॉब्लम कैसे हटेगा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आपको देखो एक नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा देख लो डन का, तो आपको सिंपल डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड जैसे ही डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से रेड की में ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ सीधे बैक आ जाना है। यहाँ पे देखो मैं पूरा बैक आ जाता हूँ। एंड बैक आ जाने के बाद आपको फेसबुक को थोड़ा रिफ्रेश कर लेना है एक बार। एंड आपके साथ पेज में जो प्रॉब्लम हो रहा था उस पेज को यहाँ पे ओपन करना है, इसलिए देखो मैं पेज वाले ऑप्शन में जाता हूँ। एंड ये पेज में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, एंड यहाँ पे देखो मैं अपने पेज में आ चुका हूँ, बट अभी भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको, अभी भी देख रहे हो नहीं हो रहा है। एंड गाइस यहाँ पे आपको रिफ्रेश करते रहना, दो नहीं चार बार पांच बार रिफ्रेश करना है, अगर नहीं होता तो फेसबुक को बंद करके चालू करना है। एंड फेसबुक जैसे ही रिफ्रेश करते रहोगे ना यहाँ पे देखो आपके सामने इस तरीके का फिर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि पहले था नॉर्मल पोस्ट का एंड शॉर्ट वीडियो प्रमोशन व्यू एज एडिट पेज का सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको एक्शन बटन मिल जाएगा जिससे आप एक्शन बटन लगा के यहाँ पे फॉलो वाला बटन लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं आता तो आपको एक और सेटिंग करना है, आपके पास देखो नीचे बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भरने का दिया जाता है जैसे कि मोबाइल नंबर, पेज साइट्स, वेबसाइट, सारा कुछ फिल करने का आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट पेज के मोड पे जाओगे तो आपको एडिट पेज पे जाना है। एंड एडिट पेज पे जाने के बाद अगर आपने वहाँ पे ऑप्शंस फिल नहीं किया है, आपने जानकारी नहीं दिया है पेज पर, तो क्या करना है आपको अपनी जानकारी दे देना है, तब आप रिफ्रेश करोगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले से जानकारी दे के रखा था, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एंड जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा सारा कुछ वापस आ गया जैसा कि मैं पहले था। तो सो दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलेंगे। तो फिर से मिलेंगे ऐसी न्यू कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।